तो दोस्तों दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की वैकेंसी आपके सामने बहुत ही खास रहने वाली है क्योंकि ये आई है जिंदल की तरफ से। दोस्तों ये वैकेंसी सिर्फ ट्रेनीज के लिए एलिजिबल है। दोस्तों जो ट्रेनीज के लिए जाना चाहते हैं और जो फ्रेशर हैं उनके लिए बम्पर अपॉर्चुनिटी निकाल के लाया है जिंदल। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ फ्रेशर वाले भी एलिजिबल हैं। अगर बात कर लेते हैं डिप्लोमा या बीटेक की, दोस्तों ये जो ट्रेनीज के लिए वैकेंसी है वो बीटेक बेस्ड है और जो एक्सपीरियंस वैकेंसी है उसमें डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं। अगर बात कर लेते हैं एलिजिबल ब्रांचेस की, तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इसके साथ साथ CS, IT या फिर GET मतलब ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की कोई भी ब्रांचेस हो आप यहाँ एलिजिबल हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं और बता दूं, मैंने अभी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर रखा है जिसको बोलते हैं नोटिफिकेशन या टेलीग्राम लिंक। दोस्तों उसको ज्वाइन करने से आपका क्या बेनिफिट होगा, उसको ज्वाइन करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलेगी। कोई भी वीडियो आती है, कोई भी वैकेंसी आती है, सबसे पहले आपके हाथों में होती है। आप उसे देख के अप्लाई भी कर सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं और जॉब भी अच्छी तरह लग सकती है। अब एक और बात आई दोस्तों, जिन्होंने अभी तक इस चैनल पे आया है या अभी भी है, दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर मेंशन जरूर करते जाएं। उससे मेरे लिए क्या बेनिफिट है, उससे मेरा क्या बेनिफिट है, उससे क्या होता है। उससे सिर्फ इतना बेनिफिट होता है दोस्तों, जब नेक्स्ट वीडियो मैं बनाता हूँ तो मैं सारे कमेंट रीड करता हूँ लास्ट की 2-3 वीडियो के और उन्हीं के बेस पे देखता हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसी अभी ओपन है, कौन कौन सी वैकेंसी डाउन हो चुकी है। एक चीज़ और है दोस्तों, बहुत बंद भाई ऐसे मिलेंगे कि मैंने यहाँ जो है जिंदल में पहले भी अप्लाई किया है लेकिन पहले रिप्लाई नहीं आया, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि अब रिप्लाई आएगा। दोस्तों मैं ये नहीं बोलता कि एक वीडियो से सभी का रिप्लाई आ जाएगा, मतलब 4000 बंदों का, 5000 बंदों का, लेकिन इतना जरूर है कि आप अप्लाई करते हैं तो कम से कम 100 बंदों का रिप्लाई आता है। दोस्तों ऐसा मैंने कल भी एक चीज़ आपको बताई थी कि अगर आप फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस हैं और आपको जॉब चाहिए और आप जॉबलेस हैं अभी, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, डेली एक टारगेट बना सकते हैं जिनमें 10 जॉब हमें अप्लाई करनी ही करनी है। मान लीजिए एक दिन में आपको 10 से 20 जॉब, मान लीजिए 15 का क्राइटेरिया ले लीजिए, 15 जॉब आप अप्लाई करेंगे एक दिन में, तो 30 डेज में 4450 जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर देंगे। ऐसा तो नहीं है कि 450 जॉब में से 45 का भी रिप्लाई ना आए, 100% आएगा। 450 जॉब्स में से 45 का रिप्लाई आएगा, हो सकता है, और उस टाइम आपके पास ऑप्शंस भी हो सकते हैं कि अब मैं कौन सी करूं कौन सी ना करूं। 3 से 4 वैकेंसी के ऑफर लेटर हो सकता है आपके पास पड़े होंगे। ये मैंने भी अपनी लाइफ में पास्ट में किया था, दैट्स वाई उसी एक्सपीरियंस पर आपके सामने बोल रहा हूँ। तो लौट के आते हैं वैकेंसी के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं ये वैकेंसी आई कहाँ है, ये आई है जिंदल साउथ वेस्ट में, मतलब JSW में। जिंदल साउथ वेस्ट भी जिंदल का ही एक पार्ट है और यहाँ वैकेंसी जो निकल के आ रही है बहुत ही अच्छी निकल के आ रही है, फ्रेशर एज वेल एज एक्सपीरियंस वालों के लिए। अगर आप देखेंगे जैसे ही सी ओपनिंग सब JSW करेंगे तो यहाँ टोटल जो रिक्रूटमेंट है सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा जो कल ही आई है, JSW ज्वाइनिंग लिंक, JSW GET के लिए बम्पर वैकेंसी निकल के आ रही है ट्रेनिंग वालों के लिए, और इसमें पोस्ट भी ट्रेनिंग ही रहने वाली है। जी हाँ, इसमें पोस्ट भी ट्रेनिंग ही रहने वाली है और ये GET ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए बम्पर रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। दोस्तों अगर इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं, तो यहाँ जो है यहाँ एक्सपीरियंस बिल्कुल फ्रेशर मांगा गया है, 0 to 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एम्प्लॉयमेंट टाइप बिल्कुल ट्रेनी के लिए रखा गया है और ये जॉब पोस्टेड हुई है 6th of January को, और इसमें डिपार्टमेंट क्या रहने वाला है, ट्रेनिंग आपका डिपार्टमेंट रहने वाला है। जब GET के लिए वैकेंसी है तो इसमें डिपार्टमेंट भी ऑब्वियसली ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए ही रहेगा। एक्सपीरियंस रेंज मांग लेते हैं तो 0 to 1 ईयर्स, 0 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट टाइप ट्रेनी के लिए रहने वाला है और कहाँ पोस्टिंग रहने वाली है, कर्नाटक में। और इसमें अब एलिजिबल ब्रांचेस की बात कर लेते हैं, तो इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CS, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसके साथ साथ केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सभी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। अगर बात कर लेते हैं इसको अप्लाई करने की, तो अप्लाई भी आपको यहीं से हो जाएगा। अब एक बार मैं आपको एक्सपीरियंस वालों के लिए भी वैकेंसी दिखा देता हूं, जिससे आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। देखिए दोस्तों बहुत सारी वैकेंसी जो 6 जनवरी, 5 जनवरी, 4 जनवरी, 3 जनवरी, 2 जनवरी को आई है, इनडायरेक्टली ये आपको क्या है कि स्टाफ में रहने वाली है, परमानेंट जॉब रहने वाली है और मैनेजरियल कॉन्ट्रैक्ट पर भी है। इसके साथ साथ अब आप देखेंगे कोई भी आप शिफ्ट इंजीनियर SMS, अभी SMS क्या होता है, शॉप मेल्टिंग शॉप होती है जो कि किसी भी एक प्लांट में रहती है, तो ये जो है इसके अंदर आपका डिपार्टमेंट में आई है वैकेंसी और ये परमानेंट जॉब रहने वाली है, परमानेंट स्टाफ रहेंगे और एक्सपीरियंस आपसे 3 to 6 ईयर्स मांगा गया है। ऐसे ही यहाँ शिफ्ट इंजीनियर कोकोवन, इसमें डिप्लोमा बीटेक दोनों ही एलिजिबल है। शिफ्ट इंजीनियर लॉजिस्टिक, अब शिफ्ट इंजीनियर लॉजिस्टिक में आप देखेंगे
क्या क्या क्राइटेरिया मांगा है दोस्तों, इसमें क्राइटेरिया कुछ नहीं मांगा है, इसमें कुल 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है, इसीलिए डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही एलिजिबल है। ब्रांचेस की एलिजिबल बात कर लेते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सभी एलिजिबल है। अगर कोई भी एक वैकेंसी को मैं अप्लाई करके आपको दिखा देता हूं, जिससे आपका भी बेनिफिट होगा, JSW ज्वाइनिंग किट पे ही मैं अप्लाई फॉर द जॉब कर देता हूं। सबसे पहले आपको यहां साइन अप या साइन इन करना होगा, जिससे आप साइन इन करके आगे बढ़ेंगे वैसे ही आपको इसका फॉर्मेट ओपन होके आ जाए। तो जैसे ही आप इसको ओपन करके आएंगे, सबसे पहले आपसे रिज्यूम फॉर्मेट मांगा जाएगा। दोस्तों आपके रिज्यूम के लिए मैं एक बात बता दूं, वैसे तो मैंने अपना एक फॉर्मेट बना के, रिज्यूम फॉर्मेट बना के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, बट अगर किसी को रिज्यूम से रिलेटेड भी वीडियो चाहिए पर्टिकुलर ब्रांच, तो ब्रांच और पास आउट ईयर मेंशन कर दीजिएगा। ब्रांच और पास आउट के ईयर कैसे आपको मेंशन करना है, मतलब मान लीजिए आप 2020 के पास आउट है और आपकी ब्रांच है मैकेनिकल, तो आपको लिखना है मैकेनिकल और 2020। तो इतना मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं उसी हिसाब से आपके एक्सपीरियंस एज वेल एज जिस भी ब्रांच से आप पास आउट है वो मेंशन करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नेक्स्ट जो है आपका देखेंगे, वो जो नेक्स्ट जो है बायोग्राफिकल में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नंबर ऑफ चिल्ड्रन और ये प्रोफाइल पिक्चर डिशेंसी। अगर आपका कोई जानने वाला है तो JSW में तो मेंशन कर दीजिएगा, अदरवाइज NA कर दीजिएगा। NA का फुल फॉर्म होता है नॉट एप्लीकेबल। और ये अपलोड में एक पासपोर्ट साइज फोटो लगा दीजिएगा। कॉन्टैक्ट में दोस्तों अपना कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, एड्रेस में, एड्रेस याद रखिएगा कोई सिटी का ही रखिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि सिटी में जहाँ कनेक्टिविटी हो पाए डायरेक्ट वहाँ रख दीजिएगा। वर्क एक्सपीरियंस, अब ये GET के लिए वैकेंसी है तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत ही नहीं है, इसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। एजुकेशन में आपने क्या किया है, आपने टॉप टू बॉटम, आपने डिप्लोमा किया है, मान लीजिए आपने बीटेक किया है, मान लीजिए आपने कोई भी टेक्निकल डिग्री की है, मान लीजिए आपने अंडर ग्रेजुएशन किया है या ग्रेजुएशन किया है, वो मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद कब से शुरू किया, कब से कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है। पर्सनल डॉक्यूमेंट दोस्तों, ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांग रहा है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आफ्टर कोविड सिचुएशन के बाद कंपलसरी हो गया है किसी भी कंपनी में, तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लगा देना है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इनके प्रोटोकॉल के हिसाब से आप मेडिकल करवा के तो सबमिट कर दीजिएगा। ये थी आपके लिए वैकेंसी, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार। दोस्तों लिंक सभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इसका अप्लाई लिंक मिलेगा आपको। अप्लाई लिंक जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ लिखा होगा जिंदल अप्लाई लिंक, वहाँ आप उस पर जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी, आई एम ऑलवेज विद यू, कमेंट सेक्शन में कुछ भी बात कर सकते हैं। किसी को मेरे से डायरेक्टली बात करनी है, इंस्टा पर कनेक्ट हो सकता है या फिर लिंक्डइन पर कनेक्ट हो सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।